हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समामेलन के पूर्व व पश्चात का लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस, पीरियड टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हम कंपनी की प्रक्रिया जो जन्म लेती है, कोई निजी कंपनी है, कोई सार्वजनिक कंपनी है, जब वह अस्तित्व में आती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत सबसे पहले प्रमोटर होता है, प्रवर्तक होता है, जिसके मन में कंपनी का विचार आता है, वह कंपनी खोलने के बारे में सोचता है और शुरुआत के जितने भी अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि कंपनी की जगह कहाँ रहेगी, संचालक कौन रहेंगे, अंकेक्षक कौन रहेगा, कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करेगी, कंपनी निजी रहेगी कि सार्वजनिक रहेगी, इस प्रकार के प्रवर्तक जो होता है वह कंपनी के संबंध में पूरे विचार करता है। प्रारंभ के जितने भी अरेंजमेंट होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, वह सब करता है और जितनी भी कागजी कार्यवाही होती है, वैधानिक जितनी भी कार्यवाही होती है, जैसे उसे जो है कंपनी के डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं और जितने भी अनुबंध होते हैं, वह सब डॉक्यूमेंट्स लेकर रजिस्ट्रार के यहाँ सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद कंपनी के जो है रजिस्ट्रार के द्वारा पूरी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद उसे सर्टिफिकेट देती है, तो वह सर्टिफिकेट कहलाता है समामेलन। यदि एक निजी कंपनी है तो समामेलन के बाद अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, लेकिन यदि एक सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो उसे पहले समामेलन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद जो है उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जो है वह भी लेना आवश्यक होता है। लेकिन निजी कंपनी जो होती है वह समामेलन के प्रमाण पत्र के बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो ये होता है समामेलन। अब यह इसकी जरूरत कब पड़ती है, तो जब कोई व्यक्ति के द्वारा किसी कंपनी को समामेलन के पूर्व ही खरीद लिया जाए, मतलब कि अंडर प्रोसेस है, अभी अभी वर्क जो है वह चल रहा है और उस दौर में ही कोई व्यक्ति किसी कंपनी को खरीद ले, किसी कंपनी को खरीद ले, मतलब ये कैलकुलेशन हमें कब करनी होगी, तो जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी किसी निर्मित कंपनी, मतलब अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, प्रक्रियाधीन है अभी, उस कंपनी को खरीद ले, तो उस कंडीशन में हमें समामेलन के पूर्व और पश्चात का लाभ अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों निकालना पड़ेगा, तो समामेलन के पूर्व का जो लाभ होता है वह कौन सा लाभ होता है, पूंजीगत लाभ होता है, यह ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आईएमपी है, और समामेलन के पश्चात का लाभ वह जो है आयगत लाभ होता है। इसीलिए जब कब करना है ये ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन कब होती है, जब किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा कोई कंपनी निर्माणाधीन है, अभी उसका समामेलन नहीं हुआ है और उसके पहले ही वह कंपनी को खरीद लेती है, तो इस कंडीशन में हमें लाभ को जो है साल भर के लाभ को दो भागों में बांटना होता है, समामेलन के पूर्व का लाभ और समामेलन के पश्चात का लाभ या हानि भी हो सकती है। और वो इसीलिए बांटना जरूरी होता है क्योंकि बिफोर इनकॉर्पोरेशन या पीरियड जो है इनकॉर्पोरेशन का जो लाभ होता है वह कैपिटल नेचर का होता है, पूंजीगत लाभ होता है, और समामेलन के पश्चात का लाभ जो है वह आयगत लाभ माना जाता है। और इन दोनों का अंतर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पूंजीगत लाभ का उपयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में ही किया जा सकता है, पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में, ख्याति को अपलिखित करने में, ठीक है, उसमें किया जा सकता है। और आयगत लाभ का उपयोग जो है वह अंशधारियों को लाभांश बांटने में, अंशधारियों को लाभांश बांटने में और अन्य आयगत खर्चों को, अन्य
आयगत व्ययों को समायोजित करने के लिए किया जाता है। इसीलिए हमें जो कंपनी इस प्रकार की कंडीशन में है तो उसमें हमें लाभ को दो भागों में बांटना होगा। कैसे बांटेंगे वो समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई कंपनी जो है उसके खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं, 31 मार्च को बंद किए जाते हैं और समामेलन की तिथि जो है वह 1 जुलाई है, 1 जुलाई है समामेलन की तिथि और बिजनेस जो है खरीद लिया गया है। तो यहां जो है चूंकि 31 मार्च को खाते बंद किए जाते हैं तो सेशन क्या रहा होगा, जो 12 महीने हम कैलकुलेट करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ठीक है ना, 12 महीने। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का जो है वह पूर्व का माना जाएगा और 1 जुलाई से 31 मार्च तक का जो है वह पश्चात का माना जाएगा। तो जो भी लाभ हमें दिया रहेगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए लाभ दिया है तो हम उस लाभ को इस रेशियो में बांटेंगे। पूर्व के कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून, 3 महीने और ये 9 महीने बचे हुए। तो इस 1 लाख रुपए को जो है हम 3:9 या 1:3 कहे हम उसमें बांटेंगे। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि कब कंपनी का समामेलन हुआ है, कब कंपनी खाते बंद कर रही है और कब कंपनी को खरीदा गया है, तो उस हिसाब से जो है डेट का एडजस्टमेंट होगा। ये चीज समझ में आ गई, मीनिंग समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल बेसिस पे हमें समझना है कि यहां जो खर्चे हैं कंपनियों के द्वारा जो खर्चे होंगे उसको जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यदि प्रश्न में हमें क्लियर इंडिकेशन दिया है कि ये खर्चे आपको समय के आधार पर बांटना है या 1:3 में बांटना है या 5:9 में बांटना है तो हम उन खर्चों को उसी निर्देशानुसार बांटेंगे। लेकिन यदि प्रश्न में आपको कोई भी अनुपात नहीं दिया है, जैसे लिख दिया किराया या फिर लिख दिया आपको विज्ञापन व्यय या आपको लिख दिए प्रारंभिक व्यय और इनके संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि किस अनुपात में बांटना है, क्योंकि हमें पूर्व और पश्चात का लाभ निकालना है तो व्ययों को भी हमें पूर्व और पश्चात में बांटना रहेगा क्योंकि किराया जो भुगतान किया जाएगा वो साल भर का होगा। विज्ञापन व्यय चूंकि कंपनी बन चुकी है, समामेलन हो चुका है तो विज्ञापन पूरे साल भर के, तो इनको किस रेशियो में बांटना है। तो जब आपको प्रश्न में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं तो जो किराया है उसको हम बांटेंगे समय के आधार पर, क्योंकि लॉजिकली भी आप देखिए किराया, किराए का जो भुगतान किया जाता है वह मंथली होता है, हर महीने हम पे करते हैं तो इसको बांटेंगे हम समय के आधार पे। अब विज्ञापन व्यय, एडवर्टाइजमेंट व्ययों को हम बांटेंगे विक्रय के आधार पर। तो ये जो लॉजिक है, ये जो चीजें हैं हमें उस कंडीशन में याद रखनी है जब प्रश्न में निर्देश नहीं दिए हैं। तो समय के आधार पर बांटने वाले कौन कौन से खर्चे हैं, एक तो है आपका किराया, डेप्रिसिएशन, बीमा प्रीमियम, सामान्य व्यय, छपाई व्यय, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मरम्मत व्यय, जितने भी जनरल एक्सपेंसेस है, प्रशासनिक व्यय, ये सब जो है हम समय के आधार पर एक्सेट्रा आदि, ये सारे व्यय जो है हम किसके आधार पर बांटेंगे समय के आधार पर, क्लियर। और विक्रय के आधार पर बांटने वाले जो खर्चे हैं जिनका संबंध विक्रय से होता है, जैसे एक हमने देखा विज्ञापन व्यय, ठीक है, फिर कमीशन, विक्रय ये जो एजेंट होते हैं उनको जो कमीशन दिया जाता है, एजेंट को कमीशन, उसके बाद डूबत ऋण, अप्राप्य ऋण, कटौती, डिस्काउंट देते हैं हम विक्रय पे, बिक्री व्यय, मतलब ऐसे खर्चे जिनका सीधा सीधा संबंध विक्रय से है
उन खर्चों को जो है हम किस में बांटेंगे, विक्रय के आधार पर। अब समामेलन के पूर्व के व्यय, ये सबसे क्लियर चीज है, जो विक्रेता है उसको दिया जाने वाला कमीशन, विक्रेता को दिया जाने वाला कमीशन और ब्याज। समामेलन के जो पूर्व के व्यय होते हैं वह विक्रेता को दिया जाने वाला कमीशन और ब्याज होता है, और पश्चात वाले में आते हैं आपके, वो क्लियर है जो पश्चात में होते हैं, प्रारंभिक व्यय, अंशों के निर्गमन पर व्यय, अंशों के निर्गमन पर व्यय, ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय, ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय, और होते हैं आपका संचालकों को वेतन, अंकेक्षक की फीस, ऋण पत्र पर ब्याज, ये ऋण पत्र पर कटौती। तो ये जो है पूरे स्पष्टतः कौन से व्यय हैं, बाद के समामेलन के पश्चात के व्यय हैं। विक्रेता को दिया जाने वाला कमीशन और ब्याज जो है वो पूर्व का है। आपको जो है इसमें लॉजिक लगाना है कि कौन से व्यय समय के आधार पर है और कौन से व्यय विक्रय के आधार पर है। तो विक्रय के आधार पर व्यय जो है वह सीमित है और जिनका सीधा सीधा संबंध विक्रय से है, तो इन्हें याद रखना बहुत इजी है, और बचे हुए सारे व्ययों को हम समय के आधार पर बांट देंगे। इन सभी में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कहीं भी आपको जैसे समामेलन के पश्चात के व्यय, लेकिन क्वेश्चन में इसके संबंध में कुछ स्पष्ट निर्देश दिए हैं, तो हम उस निर्देश अनुसार जो है व्ययों को बांटेंगे। ये आपको रूल तब अप्लाई करना है जब आपको क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन नहीं दिया हो। तो इस प्रकार से समामेलन के पूर्व पश्चात में आपको थ्योरी में जो है ये आ सकता है कि इसकी विधि बताइए, व्ययों के विभाजन की विधि बताइए, कि समामेलन के पूर्व और पश्चात के व्ययों को किस आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है, क्लियर ये चीज स्टूडेंट्स? अभी जो हमने कंसेप्ट समझा उसको हम एक उदाहरण के द्वारा क्लियर तरीके से समझेंगे। तो हमने एक उदाहरण लिया हुआ है कि एक्स लिमिटेड का समामेलन 1 अगस्त 2021 को वाई कंपनी के चालू व्यापार को 1 अप्रैल 2021 से क्रय करने के लिए हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है कि 1 अगस्त 2021 को समामेलन हुआ है Y कंपनी के चालू व्यापार को 1 अप्रैल 2021 से क्रय करने के लिए हुआ है, और हमें सकल लाभ दिया हुआ है 2 लाख रुपए, व्यय दिए हैं जिसमें ऋण पत्र पर ब्याज, किराया व बीमा, एजेंट को कमीशन, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, डूबत ऋण, प्रारंभिक व्यय, राजनीतिक पार्टी को चंदा, कटौती, और अपवाद स्वरूप व असाधारण मत तथा कर पूर्व लाभ जो है वह 55,000 रुपए है, और दिया है 31 जुलाई 2021 तक का विक्रय 1,25,000 रुपए है तथा इसके पश्चात 5 लाख रुपए विक्रय है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हमें समामेलन के पूर्व और पश्चात का लाभ ज्ञात करना है। तो हम कॉलम क्या बनाएंगे, हम जो है बनाएंगे लाभानि विवरण पत्र, लाभानि विवरण पत्र, और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, ठीक है, और यहां कॉलम हम बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा विवरण का, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा अनुपात का, हम किस अनुपात में बांट रहे हैं, और ये समामेलन के पूर्व का लाभ, समामेलन के पूर्व और समामेलन के पश्चात, ठीक है। अब जो है हमें करना है, सबसे पहले हम रेशियो निकाल लें, अनुपात निकाल लें समय आधार पर, क्योंकि आपको इसमें दिख रहा है कि जो किराया व बीमा है या हम कार्यालय व्यय की बात करें, ये जो व्यय है वो किस आधार पर बटेंगे, समय के आधार पर, क्योंकि हमें बांटने के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। तो समय के आधार पर जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए कब हुआ है,
1 अगस्त 2021 को समामेलन, और वर्ष कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2022 को। तो हमारा जो वर्ष 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, इसका मतलब शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2021 को। ये 12 महीने हुए, या तो जनवरी से दिसंबर तक का सेशन चलता है या अप्रैल से 31 मार्च तक का। अब उस बीच में समामेलन कब हुआ है, तो समामेलन हुआ है 1 अगस्त 2021 को, ठीक है। तो देखिए, अप्रैल मई जून और जुलाई, अप्रैल मई जून और जुलाई, ये 4 महीने क्या हो गए, पूर्व के, क्योंकि ये समामेलन कब दे रहा है, 1 अगस्त को। तो अप्रैल मई जून और जुलाई जो है वह पूर्व के 4 महीने हो गए, 4 माह पूर्व के। और अगस्त को समामेलन हुआ है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये मार्च को हमारा ईयर खत्म हो रहा है, तो 8 माह जो है हमारे काय के हो गए, पश्चात के, ठीक है। तो समय आधार पर रेशियो आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा, हमेशा आपको इस तरीके से निकालना रहेगा। तो हमारा समय का रेशियो क्या आया, 4:8, और इसको हम छोटा कर सकते हैं 1:2, 4 × 4, 4 × 8, ये हो गया हमारा कौन सा रेशियो, समय वाला, क्लियर। अब हमको चाहिए एक रेशियो विक्रय वाला, विक्रय अनुपात, कुछ व्यय जो है वो विक्रय के अनुपात में बटेंगे। हमने 4 आधार पढ़े हैं ना, समय वाला हमने निकाल लिया, अब विक्रय वाला निकाल लिए। तो विक्रय के लिए आपको जानकारी इसी प्रकार से दी रहेगी, क्या लिखा है, 31 जुलाई 2021 तक का विक्रय 1,25,000 है। तो देखिए, 31 जुलाई 2021 तक का विक्रय कितना दिया है, 1,25,000, तथा इसके पश्चात का 5,00,000। तो देखिए, 31 जुलाई और 1 अगस्त 2021 कोई अंतर है क्या, ये मंथ एंडिंग की डेट लिखी है और ये स्टार्टिंग की, मतलब कि हमें पूर्व का विक्रय दिया हुआ है, ये जो है पूर्व का विक्रय है और ये पश्चात का विक्रय है, सीधे सीधे दिया हुआ है, हम इसका रेशियो बना लेंगे, 3 0 से 3 0। अब बचा अपने पास 125 और 500, और छोटा कर ले हम इसको, 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से किया हमने, तो 5 × 10, 5 × 25 और 100, 25 से कर लें तो 25 × 25 और 25 × 100, मतलब विक्रय का अनुपात हमारा क्या हो गया, 1:4। दो अनुपात निकाल लिए, और दो हमारे कौन से थे, समामेलन के पूर्व के व्यय और समामेलन के पश्चात के व्यय, जिसको हमें जनरली बांटने की जरूरत नहीं होती है। ये क्लियर समझ में आया आपको, तो इस प्रकार से आपको पहले समय के आधार पर समय का रेशियो क्या रहेगा वो निकालना रहेगा, और विक्रय का रेशियो क्या रहेगा वो निकालना रहेगा, ठीक है। अब जो है हम सभी चीजों को लेते हुए चलेंगे, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है हमें सकल लाभ, पहले दिया हुआ है सकल लाभ, तो सकल लाभ को आप किसमें बांटेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा विक्रय से संबंधित होता है, तो 1:4, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है हमें दिया हुआ है, इसको हम डबल लाइन से बंद कर देंगे, ठीक है, और बांट लेंगे हम। देखिए कैसे बांटते हैं वो भी समझ लो, 2,00,000 रुपए है, और अनुपात का टोटल हमेशा नीचे रखना है, और जैसे पहला वाला 1 है तो वो रखेंगे, तो 5 × 5, 5 × 20, मतलब 40,000 रुपए इधर आएगा, और दूसरे वाले के लिए हम बस ऊपर वाली राशि चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 और 1,60,000, इस तरीके से अनुपात में बांटा जाता है। इसके बाद हम ले लेंगे सेकंड नंबर पे व्यय, तो व्यय में हमें दिया है वित्त लागते, तो वित्त लागत में दिया है ऋण पत्र पर ब्याज। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, अंशपत्र और ऋण पत्र पर जितने भी ब्याज और व्यय होंगे वो हमेशा समामेलन के पश्चात के होंगे, क्योंकि कंपनी जब तक समामेलित नहीं होती है तब तक अंश और ऋण पत्र निर्गमित नहीं कर सकती है, तो इसमें कोई रेशियो नहीं लगेगा, ये सीधे सीधे पश्चात में आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लेंगे अन्य व्यय, तो अन्य व्यय में है किराया, कर व बीमा,
तो ये स्टूडेंट हमेशा किस अनुपात में बांटने हैं? समय अनुपात। समय कितना है? 1:2। तो कैसे बांटेंगे फिर से समझ लो, 24,000 है, इन दोनों का टोटल कितना है? 3। तो कितना आएगा ये? 8,000, 3×8=24। अब 8,000 को 1 से गुणा करेंगे तो 8,000, और 2 से गुणा करेंगे तो 16,000। समझ में आया? अब देखिए अगला, कमीशन, विक्रय एजेंट कमीशन। तो विक्रय एजेंट को कमीशन हम विक्रय के आधार पर देते हैं, मतलब इसका अनुपात क्या आएगा? 1:4। सिंपली अब हमें बांटना है, तो 20,000 है, फिर से समझ लो क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल अपॉन में रखेंगे, तो 5×20, 4,000, 4,000 का गुणा इसमें किया तो 4,000 और 4×16, ठीक है ना। अगला ले लेंगे हम यात्रा व्यय। यात्रा कौन करता है? एजेंट करते हैं माल को बेचने के लिए, तो इसका भी अनुपात क्या आएगा? 1:4। इसको बांटेंगे हम, 40,000 है, फिर से वही 1/8 40, तो 8,000 और 8×32,000, है ना। फिर ले लेंगे हम कार्यालय व्यय। कार्यालय व्यय, प्रशासनिक व्यय, ठीक है, ये सब बटेंगे समय के आधार पर। तो समय का रेशियो क्या है? 1:2। तो 1:2 मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो इसका आ जाएगा 10,000 और इसका आ जाएगा 20,000। फिर है डूबत ऋण। डूबत ऋण कैसे होते हैं? जब माल को बेचते हैं, उधार माल बेचा जाता है, तो इसका मतलब ये काय पे बटेगा? विक्रय वाले अनुपात पे, 1:4। तो इसको हम बांट देंगे 5, मतलब ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा आपका 4,000, है ना। फिर है प्रारंभिक व्यय। तो प्रारंभिक व्यय जो है वह हमेशा पश्चात के होते हैं, नो रेशियो, कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है तो हमेशा पश्चात के। राजनीतिक पार्टी को चंदा, ये भी हमेशा पश्चात का होता है। राजनीतिक पार्टी चंदा जो है हमेशा पश्चात का होता है, पूर्व में कोई राशि नहीं लिखेंगे। कटौती कब देते हैं हम? डिस्काउंट कब देते हैं? जब माल हम बेचते हैं। तो इसका मतलब ये किस पर बटेगा? आपको विक्रय के आधार पर। तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 और 8,000। क्लियर? ये चीज हो गए सारे व्यय, ये तो लाभ दिया है हमारा। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, है ना। तो 8×4 12 12×8 20 30 31 33 33,000 इधर हो जाएगा हमारा, 16 32 40 72 92 96 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1,12,000। 40 40 और 30 72 72, हाँ ठीक है, 1,12,000। ये हमने व्ययों का टोटल कर लिया, ये हमारा था लाभ। तो हमारा जो है फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट था तो ये हमारा लाभ आ जाएगा। तो देखिए 40,000 में से 33,000 हम घटाएंगे, ठीक है, ये इसमें से, सॉरी इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 7,000 रुपए ये हमारा आएगा। और 1,60,000 में से हम जो है 1,12,000 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48,000 रुपए। इन दोनों का टोटल देखिए कितना रहा है, 48 प्लस 55,000। मतलब हमें आंसर तो दिया हुआ था, सिर्फ हमें जो लाभ था उसे पूर्व और पश्चात में बांटना था। मतलब मेन हमारा आंसर ये जो है 7,048। तो ये जो पूर्व का लाभ है ये पूंजीगत लाभ कहलाएगा 7,000 रुपए, और ये जो 48,000 रुपए है ये कहलाएगा आयगत लाभ। चूंकि पूंजीगत लाभ का उपयोग हर कहीं नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको अलग से डिफाइन करना जरूरी होता है, और आयगत लाभ का उपयोग जो है हम पूंजीगत हानियों को लिखित करने में, उपयोग करने में नहीं कर सकते। तो ये है स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से कंसेप्ट जो है बहुत इजी है,
आपको सिर्फ चार विधियां जो है वह ध्यान रखनी है।